अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए शाहद गार्डन में एक बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा तरीन दरख्त लाया हूँ जिसका नाम है आम का दरख्त। आज हम आम के दरख्त के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि आम का दरख्त पल कैसे देता है और ये कौन से महीने में इसका जो फूल होता है वो कैसे होता है और इसकी जो नए पत्ते निकलते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो आपको नज़र आ रही है येलो किसी कलर की, ये है इसकी, ये जो नज़र आ रही है ये इसकी है फूल, इधर आम बनेंगे। ये गुच्छे टाइप जो आपको नज़र आ रहे हैं ये है आम के फूल। अभी ये हो गए, ये टहनियाँ हो गई आम की दरख्त, आम दरख्त जैसी बड़ी दरख्त होती हैं, जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ ये अभी 3 साल का दरख्त है और माशाल्लाह इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी है। ये जो येलो नज़र आ रहा है ये इसकी फूल है। इधर आम अभी स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि अब ये मई का महीना है तो मई के महीने में ये दरख्त जो है ये फूल बनाएगा। अभी ये जो आपको रेड कलर के ये नए पत्ते नज़र आ रहे हैं ये इसके नए पत्ते हैं जो अभी आम ने नए बनाए हैं। अक्सर आम नए पत्तों में आम नहीं देता, ये जो इसके पुराने पत्ते हैं ये उधरी से इसकी जो निफल होते हैं वो निकलते हैं फूल के, तो ये जो पुराने हैं ये अगले साल देंगे और जो फिर निकलेंगे नए तो वो फिर उससे अगले साल आम देंगे। तो मैंगो जिसे हम कहते हैं आम, ये बहुत ही लज्जत तरीन पाकिस्तान की शाही मेवों का नाम शाही मेवों में से आता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे घर में जो आम आपको नज़र आ रहा है ये लंगड़ा आम है जो सिंध में पाया जाता है और मेरे घर में 3 और किस्म के आम भी है जो कि मैं टाइम के साथ साथ विज़िट कराऊंगा आपको। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो आम की पसंद आई हो, आप अपने घर में आम उगाएं, आम और आम 2 साल में बड़ा हो जाता है और 3 साल ये फिर जो है दे देता है इसकी पल। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। वस्सलाम।